राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार वालों को 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के मनावाड़ा ब्लॉक ग्राम पंचायत मदनपुर में अच्छू लाल की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पत्नी को 6 माह बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 8। कौन कौन? 6 बच्ची, 1 छोटा, हम। और आपके पति? 3 महीना पहले मृत्यु हो गई। अच्छा, आपके पति की मृत्यु के बाद आपको क्या परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है। हमारी बच्ची कमाने के लिए जा रही और को है, हमारा तो कमावे वाला है नहीं है, मृत्यु हो गई। घर खाने को कमा में के बच्चियन की शादी को कमा में खाने को नाजनिया घर में, सब बच्चे हमारे बीमारे रहते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे डरे रहते हैं बच्ची बच्चा। जमीन जागा कुछ नहीं है, हम नो बिल्कुल गरीब आदमी हैं, कैसे हम जे पालें बच्ची बच्चा, कैसे बाहर करें, घर दूर बना नहीं पा रहे, शादी करें के घर बना में के का कर में। यदि आपको पारिवारिक लाभ योजना का लाभ मिलेगा तो आपकी कुछ परेशानी दूर होगी? मुझे ना, हमें सरकार से मिलेगा कुछ तो मुझे ना, हमारी 3 बच्ची हैं हमारी शादी के लिए, तो हम तो यही मदद चाहते हैं कि हमें तना कुछ मदद मिले सरकार से। क्या परेशानी हो रही है बेटा आपको? कछु ते नहीं है, नून मसाला कछु नहीं है, का धरो है तो हम हमारी एक और बहन और मम्मी कमावे जाओ तो जब घर ले आओ पैसा जब खावे धरा थे नंदा भूखे बैठे। 3 महीने पहले हमारे चाचा जी अच्छू रेगवार की मृत्यु हो गई है और अब उनका परिवार है जो वो बहुत संकट में है। हम यही चाहते हैं कि हमारे अब जो चाचा जी थे वो तो ख़त्म हो गए और हमारी चाची हैं, अब उन पर पूरा परिवार का भार है। सरकार उनके लिए खाने के लिए और उनके लिए आवास और उनकी विधवा पेंशन आर्थिक लाभ प्रदान करें। मैं और मेरा समुदाय यह चाहता है कि मृतक की पत्नी शशि को 25,000 रुपये का लाभ मिलना चाहिए। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोग ललितपुर के समाज कल्याण अधिकारी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके दबाव बनाएं, जिनका मोबाइल नंबर है 94-50-81-73। मैं शंकर लाल बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से इंडिया अनहर्ड के लिए।